आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर डॉक्टर कन्हैया कुमार के द्वारा जनगणमन यात्रा निकाली गई है। इसको लेकर लगातार पिछले कई 4-5 दिन से लगातार चल रहा है। तो ये जनगणमन यात्रा आज चलकर अलीनगर के हाट मैदान में आई, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सैफुद्दीन अहमद। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में किन किन लोगों का सहयोग रहा, और फिर क्या आपका जो ये जो विरोध है ये यहीं पे खत्म हो जाएगा या और भी चलता रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, ये संघर्ष सारे जितने भी देशवासियों के लिए है, और ये जो जनगणमन चल रहा है अभी बिहार में 38 जिला में ये चलेगा। इसके बाद ये जत्था जो है गांधी मैदान में अपनी हुकार वहाँ से भरेगी, और मुझे लगता है कि हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोगों को समझना होगा कि संविधान क्या है, और संविधान के अनुरूप ही जो है देश चल सकता है। देश की जो एकता अखंडता है, जिसपे सरकार हमेशा हर एक षड्यंत्र, हर एक साजिश रचती रही है, और इसके एकता अखंडता पर चोट और वार जो हमेशा से करती रही है, तो ये जो जत्था जो निकला है और इसके जो जनता है, जो हर एक जनसभा आप देखिएगा जहाँ पे भी हुआ, तो एक विशाल जनसभा के रूप में आपको दिखा होगा। तो ये जो पब्लिक का आक्रोश है सरकार को लेकर के, ये साफ दिख रहा है। सरकार कितना भी बोल ले, बहुमत के आधार पे कुछ भी पास करा ले, लेकिन जो बिल आप कभी लाते हैं, किसी के दिल में अगर नहीं है वो बिल, तो वो समझिए कि जनता जब रोड पे उतरती है और उसको खारिज करती है, तो ये उसका एक इंडिकेशन है। अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं समझती है, तो आप समझ रहे हैं कि वो सरकार कभी भी देश हित के लिए नहीं, इंसानियत के लिए नहीं, संविधान के लिए कभी भी नहीं सोच सकती है। और मैं ज़्यादा इसमें कुछ बोलूंगा नहीं है, ये कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि समाज जो क्षेत्रवासी है और उसके साथ जो भी हमारे हर एक जाति समुदाय के जो लोग हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो भी सरकार के हर एक रवैये से वाकिफ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोला वो आ गए, वो खुद आक्रोशित हैं इस चीज़ को देखते हुए कि जो देश में जिस हिसाब से सरकार जो चल रही है वो देश हित में नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप देश हित में सोचते हैं, तो अगर हिंदू है तो उसको देशद्रोही बोल देती है सरकार, सोचती नहीं है, बस कुछ भी ब्लेम क्लेम जो उनके मन में आता है वो डाल देती है। अगर मुस्लिम है तो उसको जिहादी बोल देती है, पढ़े लिखे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अगर ISIPS हैं तो इन लोगों को अर्बन नेक्सस करार देती है। तो ये जो चीज़ है, आप अपने ही देश में रह करके और अपने ही जनता को प्रताड़ित भी करते हैं, और जो देश हित में सोचते हैं वो उनको भी सरकार को भी मालूम है, लेकिन उनको ही आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं। तो कन्हैया कुमार का भी ऐसे ही आप बोल देते, टुकड़े टुकड़े गए, चार्जशीट दायर नहीं हुआ उनके ऊपर, कोई भी ऐसी जो बातें हैं कहीं से भी किसी कोर्ट ने या किसी मतलब जो जस्टिस ने या कहीं से भी ये चीज़ नहीं माना गया कि हाँ भाई इन्होंने या उनकी संलिप्तता है या ये फिर जो है सो रियली में ऐसा नारा लगाए थे JNU में। खैर, ये बातें तो खैर होती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में अगर कोई भी ऐसा परसेप्शन किया जा रहा है, तो ये परसेप्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की है, उनके समर्थक की है, और संघीय विचारधारा वाले जो लोग हैं वो सिर्फ डॉक्टर कन्हैया के बारे में बोल सकते हैं, या जो भी गलत अगर जो सोचने वाले जो लोग हैं जो देश के हित में नहीं सोचते, तो उसको ये सरकार सराहती है। तो हम अगर कितना भी अच्छा सोचे, देश के लिए सोचे, इंसानियत के लिए सोचे, और कोई भी अगर ऐसा कि जिससे हम उन्नति, प्रगति, सुख, शांति, समृद्धि की ओर बढ़ सकें, तो उसको सरकार जो सो नकारती है। तब है कि फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि काफ़ी कामयाब रहा, शांतिपूर्ण रहा, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। जो एक ऐसा आशंका था कि हो सकता है कि कहीं कहीं पे कन्हैया कुमार के जो भी जत्था पे जब वो गुजर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ जब गुजर रहे थे उनकी जत्था, तो उनके गाड़ियों पर भी हमला किया गया। आज भी जो है जैसे रूट डायरेक्शंस वगैरह कहीं कहीं चेंज हुआ था, जो मैंने नहीं किसी को बताया क्योंकि प्रोग्राम को मुझे सफल करना था, तो वो भी SDM के इसमें वो डायरेक्शन चेंज हुआ था, डायरेक्शन चेंज हुआ था। कुछ ऐसी वजह थी जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करना चाहते थे, कन्हैया कुमार के गाड़ी को रोकना चाहते थे, जो बजरंग दल के भी हो सकते हैं, और वहाँ पे जब ऐसा आशंका जताई गई तो मुझे लगा कि नहीं, रूट चेंज कर देना चाहिए। तो वो कलेक्टिवली वर्क हुआ, एक कम्युनिकेट करके एक दूसरे से, एडमिनिस्ट्रेशन से और खुद में, कि कैसे क्या किया जा सकता, तो फिर वो रूट चेंज हुआ है। क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक भी एडमिनिस्ट्रेशन भी चूक नहीं कर सकती थी, हमारे वॉलंटियर्स या मेरा जो एक डिसीजन है उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रोग्राम लाया गया है और ये प्रोग्राम भले ही मेरी बातचीत हुई, सारे चीज़ हुई, लेकिन ये चीज़ जो है अलीनगर में लाने की एक वजह थी,
क्योंकि जब जत्था 3800 जिला में अगर घूमे तो उसमें हमारा भी जो जो क्षेत्र है इन बातों को समझे जाने, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, सीए क्या है, और इसको समझे जो लोग आज भी अब तक नहीं समझे हैं, क्योंकि आप अपने ही देश में देख रहे हैं कि आपको जो है प्रताड़ित तो किया जा रहा है, और इधर एक तरफ जो सरकार मतलब जुमला पे जुमला दे रही है, वो जुमला क्या कि ये जो है सीएए जो है सो यहाँ के जो नागरिक हैं उसको निकालने के लिए नहीं है, तो ये तो सब जान रहा है। लेकिन जब आर्टिकल 14, 15 और 21 की अगर हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के अनुच्छेदों में आप देखेंगे तो ये 14, 15, 21 क्या बताता है, ठीक है कि मतलब कोई भी जाति धर्म के नाम पर और किसी भी लिंग के आधार पर कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा, जो भी जाति धर्म के लोग हैं जो इस देश में समान अधिकार है उनका, ठीक है। अभी एक चीज बताइए, क्योंकि एनपीआर कोई नया चेहरा नहीं है, इससे पहले भी आ चुका है, तो मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं वहां रामलीला मैदान से मोदी सरकार कहते हैं कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, हम एनपीआर लेके आ रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि एनआरसी हम बिहार में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। एनपीआर का फिलहाल जैसा कि देख रहे हैं कि अभी प्रोसेस चल रहा है, तो और यहां से भी मैंने कन्हैया कुमार के बयान में सुना कि जो एनपीआर के अंडे से भी एनआरसी का आमलेट तैयार किया जाए, इस पे आप मैं चाहूंगा कि दर्शकों को अच्छी तरीके से समझाएं। बिल्कुल, देखिए एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हालांकि ये नई चीज नहीं है, लेकिन अभी सीए का मामला हुआ इतनी तुरंत बाद जो सो एनपीआर को लेकर गया, नेशनल लॉ पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर के सरकार इतनी हड़बड़ाई क्यों है वो सरकार को भी पता नहीं है, और ये तो ऐसे ही है कि राष्ट्रपति पहले ही एनआरसी को लेकर के और इन सारी चीज़ों को लेकर के क्लियर किए थे अपने अधिवेशन में, फिर उसके बाद जो है सदन में अगर देखा जाए बहुत सारे इंटरव्यू में भी अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री है उन्होंने भी बात रखी थी इस चीज़ को लेकर के, तो खैर पूरे देश में एनआरसी को भी लेकर के और एनपीआर को भी लेकर के खुलेआम हर एक जगह बोले। अब है कि या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है सारे लोगों में, मोदी जी कहीं पर भी आते किसी भी जनसभा या कहीं पर भी किसी रैली में ये बोलते हैं कि मतलब ये झूठ है, भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में, भ्रम अगर फैलाया जा रहा है तो आप कोऑर्डिनेट तो कीजिए, वो वही कहीं पे बात हो जाती है कि हाँ भाई कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस पे मजाकिया लाइन में बताना चाहूँगा कि जैसे भौजी है लंदन में सिडनी में अब पत्थर निकला किडनी में, तो ये जो चीज़ है वैसी बात है कि अगर जहाँ है वहीं पर मतलब जो कुछ होगा, ऐसा तो नहीं कि सिडनी में रहेगी और यहाँ बोलिए कि हॉस्पिटल में मेरी भौजी को जो है पत्थर निकला, तो वही हो जाता है एक मजाकिया लाइन में कि भौजी है सिडनी में पत्थर निकला किडनी में, तो वैसे ही मोदी जी बोल रहे हैं। हालांकि एक दूसरे को वो जान रहे हैं कि ऐसा करना है, तभी जो है राष्ट्रपति भी बोलते हैं, तभी गृह मंत्री भी बोलते हैं, तभी प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, लेकिन क्या है भ्रमित करना है लोगों को, देशवासियों को भ्रमित करना है कि जो इनकी जो एकजुटता है, क्योंकि एकजुटता एक ऐसी शक्ति है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं देश में, और इसी से जो है सो देश विकासशील भी हो सकता है, विश्व गुरु भी बन सकता है, वो इस चीज को जानता है, और उनकी जो मंशा है वो कभी भी संविधान को लेकर के नहीं, वो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति है उसको वो मानते हैं, और वर्ण व्यवस्था क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को सब चीज मिलेगा, बाकी जितने भी लोग हैं चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो या दलित महादलित, वो सारे को शूद्र मानेंगे, और एक लोगों के एक जो जाति है मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा जो टॉप मोस्ट लेवल में उनको माना जाता है, चलिए मैं बता भी देता हूँ, जो ब्राह्मण को वो लोग मानते हैं कि टॉप मोस्ट लेवल पे जो है वो कोई क्राइम भी करे कुछ भी है वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अदर जितने भी है चाहे वो ठाकुर ही क्यों नहीं हो, चाहे वो अदर कोई भी दलित महादलित यादव जो भी है, अब बाकी जो रेस्ट रिलीजन है वो सबको शुद्र माना जाएगा। खैर तो वो इस तरीके से वो साजिश रच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं जो जैसा भी कर रहे हैं वो देश को गुमराह करके, उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाल कोई नहीं समझ रहा, जबकि हर एक कोई इससे वाकिफ है, लेकिन तब है कि उनका टेन्योर है 5 साल है अपना, वो जो भी है मनमानी और मेजोरिटी मिला वो करेंगे, लेकिन इसका विरोध जो है जो जनता कर रही है वो पुरजोर करेगी। जैसे आप देख रहे हैं ये सिर्फ देश की बात नहीं रह गई, एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुई फिर पूरे देश में, और अब वो पूरे जगह पे आप देखेंगे, इवन यूनेस्को वगैरह है आप अमेरिका में देखेंगे, और भी जो संगठन है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वर्क करती है वो सारे लोग इसके सरकार के ये सब जो भी फैसले हैं उसके ऊपर एतराज जता रहे हैं। तो एनपीआर का यही मैं बोलूंगा कि फर्स्ट स्टेप है एनआरसी का, सरकार कितना भी बहला ले कुछ भी बोले, लेकिन ये चीज जो है सो कहीं से भी जा रही है। इस एनपीआर में ये है कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है,
वो एडिशनल क्वेश्चंस क्या है, अब जब मैं दे ही रहा हूँ सारा चीज़ है, या मेरे भी पेरेंट्स होंगे वो भी अपना हर एक कुछ देंगे, तो आप पेरेंट्स कहाँ, मतलब उनका बर्थ है क्या है, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनके हर एक चीज, तो ये जो चीज है उठपटांग, आप अगर सही है बोलते कि नहीं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है पहले भी था, तो ठीक है उसी हिसाब से आप लीजिए ना, आप उसी हिसाब से लीजिए। और एक चीज और ट्रिकी चीज है जो आदमी को समझना चाहिए, एक तरफ देखिए ये वाद विवाद हो गया कहीं पे समर्थन पे जो है सो कुछ लोग आ जाते हैं, जो आते हैं वो सिर्फ संघीय विचारधारा वाले लोग हैं, वो बचने के लिए सिर्फ संविधान गांधी या नेहरू को लेकर जाते हैं, सिर्फ बचने के लिए, दिल से वो नहीं मानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे वो उनके पूर्वज नहीं थे, वो हमारे और आपके पूर्वज थे, तो इसलिए वो हमेशा जो है सो बचने के लिए जो सो गांधी नेहरू को लाते हैं, जबकि आपको खुद मालूम होगा कि चाहे वो ध्रुव सक्सेना की बात करें, इसी के दल के थे, जो ऐसा एक एजेंट पकड़ा गया बच्चों की तस्करी और इसी के दल के, और कहीं पे भी कुछ भी अगर होता है, कहीं पे भी संलिप्तता है तो इनके लोग क्यों पकड़े जाते हैं। अभी देखिए जामिया में भी हुआ या फायरिंग हुआ, आप देख लीजिए कौन संगठन के ये लोग हैं, वो अदर संगठन के नहीं है, इन्हीं के संगठन पे लिंचिंग करने वाले कौन है, अदर संगठन के नहीं, कभी एक्शन लिया गया लिंचिंग वालों पे, कभी कोई भी चीज, तो ये ऐसे ही भ्रमित कर रही है। तो जो जैसा फॉर्मेट आप उसी फॉर्मेट पे लीजिए तो लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब शर्त अब ये एनपीआर का आपका जवाब मैं दिया, एनआरसी को भी लेकर कैसे असम में जो भी हुआ, कितना खर्च हुआ, कितने लोगों को परेशानी हुई, कितनी जान गए, कितने लोग डिटेंशन कैंप में है, आप समझ सकते हैं। फिर से जो है सो जब हुआ 10 साल उस पूरे प्रोसेस में लगा, जिसमें जो 15 लाख जो है सो नॉन मुस्लिम है, 5 लाख जो है मुस्लिम है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि सरकार का जितना भी जो भी रवैया है वो देश हित में नहीं है, और इस चीज को लेकर के किसी भी आदमी को कंडेम करना चाहिए, कोई भी जाति समुदाय किसी भी धर्म के लोगों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो है पहले देश है, संविधान है, इंसानियत है, अगर ये नहीं है तब ढकोसला कर रहे हैं, धर्म का चादर ओढ़ करके अब ढकोसला कर रहे हैं। और जो भी लोग हैं सन्यासी बन करके अब मतलब वस्त्र जो भगवा पहन लेते हैं, सन्यासी का पहले क्या अर्थ था कि आप जो है सब चीज राज पाठ हर एक जो मोह माया से आप त्याग करके आप किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आप जो लोगों की भलाई के लिए करते हैं, मानवता के लिए करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ वैसा हो रहा है नहीं, वो सरकार में भी है, वो हर एक सत्ता का सुख भी भोग रहे हैं, लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, घृणा भी फैला रहे हैं, और लोगों के इसमें बीच में धर्म का उन्माद भी फैला रहे हैं, यानी कि वो देश हित में नहीं सोच सकते, वो धर्म के बारे में नहीं सही से जानकारी रख सकते, क्या वेद बताता है क्या नहीं है, बस वो एक ही चीज पे है कि जो चीज बचाव का हो सकता है उसको अपना ढाल बना ले, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भगवा कपड़ा हो, या भारत माँ की जय बोल करके किसी बेगुनाह को जान लेना हो, लिंचिंग जिसको आप कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ढाल बनाते हैं, क्योंकि धर्म की सोचते तो वो गलत कभी नहीं करते। तो एनआरसी आप अपने देश के लोगों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, ये एकदम बलात्कार हो रहा है, जहां भी सरकार इनकी है, अलायंस में भी जो अगर देखा जाए तो इनकी सरकार है अधिकतर प्रदेशों में, तो इतनी बलात्कार कहां से हो रही है, कौन कर रहा है, किन की सरकार है, इसका जवाब दीजिए। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, इसका जवाब दीजिए। आप इतने जो कल कारखाने बंद हो रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप ये सब जवाब ना दे करके सिर्फ धर्म का मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब आप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ऐसा करते हैं जिसके वजह से जो सो लोगों में एक ऐसा भय का माहौल एक ऐसा आता है, और जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर जो सो सोचना चाहिए, और ये गलत है। मुझे तो लगता है कि ये जितने भी कानून बने देश हित में नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।